नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं आज मैं आप सबके कुछ स्वप्न लेकर के आया हूं और उनके फलों के बारे में आपको बताऊंगा ये 25 स्वप्न है जिसे अपने जीवन काल में मैंने खुद देखे अपने ऊपर घटाया है शास्त्रों से इसका मिलान किया है और ये सत प्रतिशत सही हैं आज आप भी इनको मिलाइए ज्योतिषीय जीवन में आने से पूर्व से ही मेरी जो दिलचस्पी है कहीं ना कहीं स्वप्न विज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा रही है मेरी रुचि स्वप्न में रही है और मैं प्राय हर दिन प्रयास करता हूं कि जागते हुए सोया जाए और मैंने इसके लिए एक और वीडियो पहले भी बनाया था हालांकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके प्रति बहुत ज्यादा दिलचस्पी जगती है पर आइए मैं आज आपको पच्चीस स्वप्न ऐसे हैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूं हो सकता है आप जानते हैं नहीं जानते तो भी आप आज जानिए सबसे पहले अंगूठी स्वप्न में यदि आपने अंगूठी देखा और यदि आपकी उम्र विवाह के आसपास की है तो यह विवाह का सूचक है यानी आपकी उम्र विवाह के करीब है और आपने स्वप्न में अंगूठी देखा अब अंत में मैं बताऊंगा कि यह कब घटित होते हैं उसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा लेकिन यदि आपने स्वप्न में अंगूठी का दर्शन किया या अंगूठी देखा अंगूठी पहने देखा या अंगूठी को देखा तो यह विवाह का सूचक है वहीं स्वप्न में चिता अर्थी देखना बहुत अच्छा है याद रखिएगा कि अर्थी देखना बहुत शुभ है मैंने कई बार देखा है इस स्वप्न को और इसके जबरदस्त रिजल्ट हैं यहां यह ध्यान देना है कि चिता अगर सजी हुई है तो भी ठीक है लेकिन चिता जलती हुई नहीं देखनी यदि चिता जलती हुई देख रहे हैं तो यह परेशानी देने वाला है लेकिन अर्थी देखना चिता देखना अथवा अर्थी पर लेटा मुर्दा उठ करके आपसे कुछ कह दे अद्भुत फल है इसके यदि आपने अगर कभी देखा होगा तो ये पूर्ण मनोरथ करने वाला स्वप्न है इसके बाद पर्वत देखना स्वप्न में पर्वत देखना यानी नीचे खड़े हैं और ऊंचा सर करके आप पर्वत देख रहे हैं हालांकि ये कुछ हद तक अहंकार का भी सूचक है लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला है सफलता इससे भी यानी मन में आपके कोई प्रश्न चल रहा हो और आपने स्वप्न में रात्रि में पर्वत का स्वप्न देखा तो समझ लीजिए कि यह सफलता का सूचक है इसके बाद स्वप्न में कुआं देखना और उसमें जल हो यह भी मैंने कई दफे देखा और आजमाया हुआ है कि स्वप्न में यदि कुआं देखा और उसमें जल है बाल्टी से पानी निकालते या पानी उसमें भरा हुआ हो धन प्रदायक है ये इसके बाद स्वप्न में मल देखना शौच देखना यह भी बहुत अच्छा है उससे भी अच्छा है खाना यदि स्वप्न में आप पूरे शरीर में मल लगा हुआ देखें मल को खाते देखें या चारों तरफ मल पड़ा हुआ हो ऐसा देखें बहुत जबरदस्त है किसी तरीके से स्वप्न में यदि मल दिखता है तो ये लक्ष्मी प्रदायक है जल्दी ही धन माल आने वाला है इसके बाद स्वप्न में मंदिर या पूजा करना स्वप्न में शिवलिंग दिखाई पड़ जाए शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हो पुष्प चढ़ा रहे हो पूजा कर रहे हो तो यह आकस्मिक धन का सूचक है एकाएक एक, आपको पता नहीं है कहीं से एकाएक एक धन आ जाता है यह भी आजमाया हुआ है इसके बाद पके फल देखना गर्भ गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है आम लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है स्वप्न में आम पका हुआ देखना अमरूद देखना या जितने भी पीला पीला पका फल देखना यह बहुत सुंदर है अब यहां पर एक बात बता दूं कि हर किसी के मनोरथ अलग अलग होते हैं तो जैसा आपका मनोरथ हो आप उसी से इसकी गणना करिए कि मेरे ये मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं वहीं स्वप्न में दांत टूटते देखना आजमाया हुआ है होता क्या है कि मानसिक पीड़ा आने वाले दिनों में भयंकर होती है यह बात तय है कि जिस कारण से मानसिक परेशानी होती है वो परेशानी हल हो जाती है यह भी मैंने देखा यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्वप्न में पूरे दांत टूटे देखना यानी पूरे मुंह के दांत टूट गए यह मृत्यु सूचक स्वप्न है लेकिन एक आध दांत टूट गए सामने के दांत टूट गए या दाएं के दांत टूट गए तो यह परेशानी लाता है यह मैंने देखा है कि परेशानी आ जाती है मानसिक टेंशन कुछ दिनों तक भयंकर रहता है लेकिन उसका हल हो जाता है फिर इसके बाद स्वप्न में आकाश और सूर्य अद्भुत जबरदस्त ऊंचाई देता है यह नाम जो तेजी से फैलता है स्वप्न में यदि आपने सूर्य को देखा आकाश को देखा बहुत श्रेष्ठ है उगता हुआ सूर्य दिखाई पड़ जाए या सूर्य कैसे भी आकाश में आपको दिखाई पड़े बहुत श्रेष्ठ आजमाया हुआ है सम्मान की वृद्धि कराता है ये इसके बाद बादल देखना याद रखिए कि बादल में भी कई तरह की बातें हैं यहां यदि काला बादल यदि आपने आसमान में देखा तो यह ठीक नहीं है यह भी मैंने देखा कि यह मानसिक परेशानी समस्या खड़ा कर देता है स्वप्न में काले बादलों को देखना समस्याएं कहीं ना कहीं से चली जाती है।, है कई बार देखा जब जब देखा तब तब रिजल्ट इसका स्वप्न में पहाड़ चढ़ते या सीढ़ी चढ़ते आपने देखा बहुत बढ़िया है परीक्षा दिया है उत्तीर्ण होने वाले हैं कोई काम कर रहे हैं उसमें सफलता की के करीब खड़े हैं निश्चिंत हो जाइए स्वप्न का फल मिलने वाला है सफलता की तरफ जा रहे हैं यह आजमाया हुआ है शेर और हाथी देखना जबरदस्त लक्ष्मी भी मिलती है और सफलता भी मिलता है दोनों ही इससे होता है स्वप्न में शेर देख लीजिए हाथी देखिए बड़ी जबरदस्त सफलता देता है रोटी खाना यहां थोड़ा सा मतांतर है मतांतर मैंने अपने ऊपर आजमाया ग्रंथों में लिखा है और मैंने भी मैं भी बताता हूं मैं दोनों ही बातों को आपको बताता हूं कि मैंने दोनों ही चीजें देखी स्वप्न में सामान्य कुछ खाते देखने से तबीयत खराब होती है पक्का है चावल खा रहे हैं या ऐसा कोई चीज खा रहे हैं तो निश्चित तबियत आने वाले दो चार दिनों में अब समय कितने समय आपने देखा उसके बारे में भी बताता हूं मैं आपको तो यह तबियत खराब करेगा आपका लेकिन मैंने देखा है कि स्वप्न में रोटी खाते यदि आप रोटी खा रहे हैं खीर खा रहे हैं तो यह भी सफलता देने वाला मिला है और यह पदोन्नति कराता है यदि आपके प्रमोशन की बात चल रही हो और रोटी खाते स्वप्न में देखिए तो यह पदोन्नति सूचक स्वप्न है स्वप्न में उल्लू देखना ठीक नहीं है उल्लू यदि स्वप्न में दिखाई पड़ जाए तो निश्चित परेशानियां आने वाली हैं परेशानियां चल चुकी हैं जल्दी ही दस्तक आपके दरवाजे पर स्वप्न में तैरना अद्भुत कई बार आजमाया। स्वप्न में जब जब परीक्षा देता था तो रिजल्ट आने से पहले यही देखना तय होता था कि आज आएगा रात में कि कल आएगा ये मैं देखने के लिए रोज रात इंतजार करता रहता था कि कब आए अब नहीं आता क्योंकि अब परीक्षा की बात नहीं रही अब नहीं आता लेकिन स्वप्न में जब पढ़ाई के समय में था और परीक्षा की बात होती थी तो विशेष रूप से तैरते देखता था तो स्वप्न में तैरना पानी पर चलना यह भी जबरदस्त सफलता का सूचक है किसी तरह की परीक्षा दिए हो तो उसमें परिणाम जो है आपके पक्ष में आने वाला है सम्मानित होना यह ठीक नहीं है स्वप्न में आपको कोई सम्मान खूब दे रहा है खूब आपके जय जयकार हो रहे हैं आपको माला पहनाई जा रही है खूब आपके नारे लग रहे हैं परेशान होने वाले हैं बदनामी मिलने वाली है फंसने वाले हैं तैयार हो जाइए जल्दी ही परेशानी भयंकर आने वाली है यानी कि फंसेंगे फंसाए जाएंगे बारी आती है गाय अथवा साढ़ बैल इनको देखने की गाय देखने पर भी जबरदस्त लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साढ़ और बैल में भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है मैं फिर से दोहरा दूं कि आपको ये सारे स्वप्न में जो बता रहा हूं सफलता मैंने लक्ष्मी शब्द का जहां इस्तेमाल किया आप यदि ऐसे स्वप्न देख रहे हैं तो आप जिस काम को कर रहे हो और जिसकी अपेक्षा हो उससे संबंधित चीजों को घटाइएगा उस पर यह घटित हो जाएगा स्वप्न में किसी राजनीतिज्ञ को देखना यदि कोई आपका मनोरथ है तो समझ लीजिए जल्दी ही पूर्ण होने वाला है इसके बाद फूल देखना लाल और फूल पीला और सफेद अलग अलग फूल के अलग अलग लक्षण है लाल फूल से लक्ष्मी प्राप्ति है पीला फूल से भी सम्मान की प्राप्ति होती है और सफेद फूल देखने से यदि रोगी वगैरह है परेशान है कर्ज में है तो कर्ज मुक्ति का यह सूचक है बाल मुड़ाए हुए स्वप्न में देखना यदि सर के सारे बाल मुड़ाए हुए हैं तो समझ लीजिए कि रोगी है तो रोग से कर्ज में है तो कर्ज से परेशानी में है तो परेशानी से शत्रु है तो शत्रु से निवृत्ति का यह सूचक है बाल मुड़ाए हुए देखना कार्यालय देखना एक ऐसा ऑफिस जो बहुत अप टू डेट ढंग का हो बहुत सुंदर सारे उसमें व्यवस्था बनी हुई हो तो यह भी तुरंत ही आने वाले दिनों में आपके मनोरथ पूर्ण होने जा रहे हैं इस बात का सूचक है कुत्ता बिल्ली और बंदर यह आजमाया हुआ है अगर स्वप्न में आपको काट दे स्वप्न में काट दे तो यह परेशानी का सूचक है स्वप्न में काटना इनका ठीक नहीं है कहीं कुत्ते के लिए निश्चित एक जरूर है कि स्वप्न में यदि कुत्ता मिल जाए और आप किसी कुत्ता दिख जाए और आप किसी परेशानियों में जूझ रहे हो तो जल्दी ही कोई ऐसा एक मित्र आ जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा और आपका काम बन जाएगा लेकिन अगर ये काट दे आपको बिल्ली काट दे कुत्ता काट दे बंदर काट दे तो ये समझ लीजिए कि परेशानियों का सूचक है परेशानियां आने वाली है अपमानित या तिरस्कृत होना यहां गौर करिए मैंने कहा था सम्मानित होना अपमानित या तिरस्कृत यह भी ठीक नहीं है स्वप्न में यदि आपको कोई थप्पड़ मार दे कोई बहुत ज्यादा अपमानित कर दे तो यह ठीक नहीं है अपमानित भी अलग अलग तरीके का है यदि भरी सभा में अपमानित हो रहे हो तो कुछ जगहों पर इसके रिजल्ट मैंने अच्छा देखा लेकिन अपमानित जो है सामान्यतः आपको कोई भयंकर अपमानित कर रहा है तो यह भी ठीक नहीं होता समझ लीजिए कि परेशानियों का ही यह सूचक है वर्षा जबरदस्त इसको भी आजमाया हुआ है वर्षा घर के अंदर नहीं होनी चाहिए यानी वर्षा जो होते देखना है वो घर के अंदर नहीं बाहर दिखाई पड़नी चाहिए यदि घर के अंदर होते देख रहे हैं यानी घर में आप बैठे हैं और बारिश का पानी घर में छत से गिर रहा है तो समझ लीजिए कि भयंकर परेशानियों में फंसने वाले हैं लेकिन यदि वर्षा नगर में हो रही है आसपास हो रही है आप घर से बाहर निकल करके वर्षा को देख रहे हैं यह लक्ष्मी प्रदायक है या आपकी सफलताओं को आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला है और स्वप्न में हवा में उड़ते देखना भी ठीक नहीं है यह अहंकार का सूचक है हालांकि कुछ मामलों में यदि कहूं तो अहंकार वही होगा जहां आपको सफलता मिल रही है तो अगर आप स्वप्न में हवा में लगातार अपने आप को उड़ते हुए देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए कुछ न कुछ जगहों पर आपसे लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आपके अहंकार से असंतुष्ट हो रहे हैं अब आ जाती है बात कि ये सारे स्वप्न और इतने ही नहीं मैंने और भी बहुत सारे स्वप्नों को देखा और उनको हंड्रेड आजमाया है आज के कार्यक्रम में ये कहूंगा कि यदि आपने भी इसमें से संबंधित या और भी कोई स्वप्न देखे हैं तो क्या रिजल्ट आपने देखा उसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा और अब बता दूं कि यदि आपने स्वप्न कुछ इसमें से जो अच्छे सारे स्वप्न हैं उसको देखें किसी को मत बताइए कभी मत बताइए बुरे स्वप्न देखें तो सबको कहिए विशेष रूप से घर के जो करीबी लोग हैं जो आपके हैं उनसे जाकर के कहिए कि मैंने स्वप्न देखा तो उससे उस प्रभाव में कमी आ जाती है उस स्वप्न के प्रभाव में कमी आ जाती है और इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि स्वप्न के समय को नोट करना चाहिए तभी पता चलेगा यदि यह स्वप्न तीन बजे से लेकर के और छ बजे तक यानी सूर्योदय से कुछ पूर्व तक हो तो तुरंत ही घटित होने वाले हैं उससे पूर्व हो यानी तीन बजे से पूर्व के हो तो इसमें छह मास का भी वक्त लगेगा तो स्वप्न को आप जरूर देखें और देख करके उसको नोट करें मैं फिर से बता दूं ये सब आज माए हुए हैं और इनके रिजल्ट सत प्रतिशत मिले हैं मुझे तो आपको भी आने वाले दिनों में भी और जो मेरे स्वप्न है जिसको मैं देख करके नोट करता आया हूं और उसको मिला करके औरों पर भी आज मुता आया हूं आपको बताऊंगा क्योंकि इससे एक फायदा होगा कि जो स्वप्न इसमें अच्छे हैं उसे देखने के बाद आप किसी से कहे ना कहे ना और जो बुरे हैं उसको जरूर कहिए तो आज के लिए बस इतना ही कल पुनः एक नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए नमस्कार